नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर, फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। स्वतंत्र दिवस के पहले अलीपुरद्वार जिला के भारत भूटान सीमा पर बसे जय गांव एवं उसके आसपास में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भूटान सीमा पर पुलिस की नाका चेकिंग जारी है। जय गांव जाने वाले हर वाहन की संदिग्ध तलाशी ली जा रही है। टीएमसी लीडर मदन मित्रा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 16 अगस्त को खैला हॉबे दिवस सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, त्रिपुरा के साथ अन्य राज्यों में भी मनाया जाएगा और इसमें से कुछ राज्यों में टीएमसी के बैनर के साथ और कुछ राज्यों में टीएमसी के फ्लैग के अंडर में मनाया जाएगा। दिल्ली से लौटने के बाद क्रामकपा प्रेसिडेंट आरबी राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि होम मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक पॉजिटिव रही और गोरखालैंड जैसे इशू पर भी बातचीत की गई है और इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक की जाएगी और आशा है कि मीटिंग सितंबर अक्टूबर के बीच होगी। न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के शीतला पाड़ा से मंगलवार रात यानी 10 अगस्त के 15 वर्षीय लड़की लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार लड़की के परिजन ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोपी विश्वजीत राय उसे बहला फुसला कर ले जाने का प्रयास कर रहा था लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज विनय तामंग ने प्रेस मीट करते हुए कहा कि उनका तीसरा अध्याय जन जागरण अभियान शुरू कर दिया गया है। साथ ही कहा कि उनका और विमल गुरु का प्लेटफॉर्म चाहे अलग हो पर वह मिलकर जनता के लिए ही काम करेंगे। सिक्किम की अंजू तामंग एक होनहार फुटबॉलर ने किया सिक्किम का नाम रोशन। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022 के लिए नेशनल फुटबॉल टीम में हुई सिलेक्ट। भारी बारिश से गंगा नदी में कटाव जारी, एक के बाद एक गांव डूब रहे हैं, हजार परिवार बेघर हो गए। 100 साल पुराना मस्जिद को गंगा डुबा ले गई, वहां के लोग देखते रह गए। भाजपा के पूर्व विधायक साधी सरकार ने भी मस्जिद को लेकर दुख प्रदर्शन किया। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला आया है सामने। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी सामूहिक पिटाई की। वहां खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। इस घटना में पुलिस के कई अधिकारी घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए रैप को उतरना पड़ा। रैप के जवान भी हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन रायगंज बालूरघाट की चलती बस में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कालियागंज से दमकल की एक गाड़ी ने आकर आग बुझाई। बस चालक ने दावा किया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बैनर्जी ने युवाओं से तन मन को स्वस्थ रखने के लिए मैदान में उतरने का आह्वान किया। जलपाईगुड़ी के चैनल क्लब मैदान में फुटबॉल खेलने उतरे और कहा कि फुटबॉल बंगालियों का प्रशंसनीय खेल है, मैं खुद फुटबॉल खेलता था। उन्होंने कहा कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी सभी को मैदान में उतरना चाहिए। आज पूरे राज्य में कन्याश्री दिवस मनाया जा रहा है। सिलीगुड़ी में लगातार 8वें वर्ष कन्याश्री दिवस मनाया गया। अभी तक 934 कन्याश्री प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं। अब कन्या या जान सकेंगी इस टैबलो से कि कन्याश्री लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के तत्वाधान में शनिवार को नवग्राम प्राइमरी स्कूल में 31 नंबर वार्ड के 12 साल तक के बच्चे की माताओं और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वायरस का टीकाकरण दिया गया। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव भी मौजूद थे। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851।
50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, Gate No. 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बैंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपा सारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें।